अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एस किचन। आज मैं आपको चिकन चीज़ी रोल्स बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। चिकन हमने ले ली है 3 कप्स या फिर 350 ग्राम। श्रेडेड चीज़ हमने ली है 4 कप्स या 350 ग्राम्स। इसके लिए जो स्पाइसेस हमें चाहिए, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर ली है, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3 क्रश्ड करके मैंने लहसुन के जवे को रख लिया है, 1.5 या 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, इसका हम थिक सा पेस्ट बना के एंड में डालेंगे, और 2 टेबल स्पून ऑयल हमें चाहिए। फ्रेश गार्लिक को हमने थोड़े से ऑयल में सॉटे किया है, बहुत अच्छी से खुशबू आनी शुरू हो गई। तो अब इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन को थोड़ा सा हम इसमें भूनेंगे, उसके बाद इसके सारे स्पाइसेस और सॉसेस डालेंगे। हमने चिकन को चूल्हे के ऊपर से हटा दिया है, अब इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम अपनी रोल की शीट्स में इनको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए पहले हम शीट पे चारों साइड पानी और मैदे का पेस्ट बना के उसको लगाएंगे ताकि स्टिक अच्छी तरह हो जाए। शीट्स को आप डायगनली रखिएगा। इसको नीचे के कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें जितनी भी फिलिंग आपको डालनी है वो डालिएगा। आप फोल्ड करते हुए हम ऊपर लेके आएंगे, फिर पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से हम अपनी शीट को बंद करेंगे, उसके बाद लास्ट में हमारा जो पेस्ट लगा हुआ है उससे हम स्टिक कर देंगे। अब ये आपके फ्रीज़र में रखने के लिए तैयार हैं। आप रमज़ान में इसको यूज़ करें जितनी ज़रूरत है, या फिर आप इसको डीप फ्राई करिए।